वेलकम टू E3's क्लासेस दोस्तों, मैं काशिफ आप सबका स्वागत करता हूं आज के वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है ये हमारा फिटर का जो चैप्टर चल रहा था ना लुब्रिकेशन एंड कूलिंग, उसका सेवंथ पार्ट है, यानी कि फाइनल पार्ट भी है, ये सेवंथ है एंड फाइनल है। इसके अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा पहले वो देखो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लुब्रिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा लुब्रिकेंट्स के कौन कौन से होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए लुब्रिकेंट्स के बारे में, और प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा कि प्रॉपर्टी एक्चुअली में होती क्या है ना। फिर उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, लुब्रिकेशन के टाइप कौन कौन से थे, जिसके अंदर हमने कौन कौन से, एक तो ग्रेविटेशन के द्वारा और दूसरा बल के द्वारा, यानी कि फोर्स लुब्रिकेशन पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट कर दिया कूलेंट, और कूलेंट के अंदर ही है कटिंग फ्लूड। और कटिंग फ्लूड के बारे में मैंने आपको क्या जानकारी दी थी कि कटिंग फ्लूड बेसिकली क्या होते हैं, जब आप ऑयल को प्लस वाटर को मिला दें, ठीक है, या फिर कुछ केमिकल एजेंट हैं उनको ऑयल के साथ मिला दें, तो जो तीसरा नया ब्लेंड बनता है उसको क्या कहा जाता है, कटिंग फ्लूड कहा जाता है। और ये कटिंग फ्लूड बेसिकली यूज क्यों हो रहे थे, जो ऊष्मा यानी कि हीट जो जनरेट होती है मशीनिंग के टाइम पर, उसको भगाने के लिए, उसको दूर ले जाने के लिए। साथ साथ में और किसके लिए यूज हो रहे थे दोस्तों, ये यूज हो रहे थे आपके लुब्रिकेशन के लिए भी यूज हो रहे थे, सरफेस फिनिश को बेटर करने के लिए भी यूज हो रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे जिसके अंदर हम कटिंग फ्लूड्स का यूज कर रहे थे। तो आज हम उन्हीं कटिंग फ्लूड के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कटिंग फ्लूड हमारे पास हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो प्रकार जो है वो तो बहुत छोटे रहने वाले, ठीक है, पर जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एक आइडियल कटिंग फ्लूड की, वो क्या होती हैं, कुछ चार पांच है वो पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कटिंग फ्लूड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ जो फिजिकल टर्म्स हमें मिलती रहेंगी उनके बारे में भी हम पढ़ते रहेंगे। तो मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान यदि हम कोई कटिंग फ्लूड यूज कर रहे हैं तो पहला, सबसे पहला जो गुण उसके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए उसकी अडहेसिवनेस। क्या होना चाहिए, अडहेसिवनेस होती क्या है, ये सवाल ये उठता है कि अडहेसिवनेस है क्या चीज। देखिए दो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों जो हमने फ्लूड के अंदर डिस्कस करी है, फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर। एक क्या होती है आपकी कोहेसिवनेस या कोहेजन जिसको बोला था हमने, और दूसरा जो था वो क्या था, अडहेसिव। कोहेजन का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स। अगर एक जैसे पार्टिकल्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई आकर्षण बल लग रहा है, कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसको कोहेजन कहा जाएगा। और इसका एग्जांपल मैंने किसमें दिया था आपको, सरफेस टेंशन के अंदर इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सरफेस टेंशन क्या थी, पृष्ठ तनाव। आपने देखा होगा, आपने एक बीकर ले रखा है या एक कोई भी पॉट ले रखा है, उसके अंदर आपने पानी भर रखा है, तो पानी की जो सतह होती है वो हल्की सी कैसी होती है, ऐसे झुकी हुई होती है। तो इसका क्या रीजन होता है, ये सवाल आता है कई बार आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आ सकता है ये सवाल कि भाई सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन के अंदर क्या देखते हैं हम कि जो अपर लेयर है, सबसे ऊपर वाली अपर मोस्ट लेयर जो है वाटर की, वो नीचे की तरफ एक झुकी हुई होती है, और ये हम एंगल जो थे वो एंगल्स भी निकाला करते थे। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है बेसिकली कोहेसिव फोर्स। होता क्या है कि अंदर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझो। एक रूम था, उसके अंदर चार पांच लोग बैठे हुए थे, ठीक है, एक लाइन के अंदर, एक रॉ के अंदर चार पांच लोग बैठे हुए, हर रॉ के अंदर पांच पांच लोग बैठे हुए, ठीक है। और यहां पे आपको क्या करना है, जो हर एक व्यक्ति है उसको अपना ग्रुप बनाना है चार लोगों को लेकर, ठीक है। तो क्या करेगा, बीच में जो बैठे एक व्यक्ति, एक इधर वाले बंदे से, एक इधर वाले बंदे से, एक इधर वाले बंदे से अपना ग्रुप बना लेगा, ठीक है, साइड में बैठा हुआ, इसी तरह ग्रुप जो है बनाता चलेगा। पर जो सबसे आगे की रो के बंदे हैं, जो सबसे आगे की रो में बैठे होंगे, उनको ये दिखाई देगा कि उनके पास आगे से ग्रुप बनाने के लिए कोई नहीं है, तो जितने भी फोर्स उनके पास लग रहा है पीछे की तरफ लग रहा है, यानी कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स वाटर के अवेलेबल होते हैं, यहां पर अगर देखा जाए बीच के अंदर, तो बीच में तो चारों तरफ से क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है। तो जो फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स की जो अमाउंट हो जाती है क्या हो जाती है, जीरो। क्यों,
जैसा कि पास्कल का जो नियम है वो बोलता है कि यदि फ्लूड के अंदर कोई पार्टिकल है या किसी वस्तु को रखा जाएगा, चाहे वाटर हो या कोई भी चीज हो, चारों दिशाओं से यानी कि चारों दिशाओं से उसके ऊपर समान फोर्स लगता है, समान बल लगता है, ये पास्कल का नियम बोलता है। और ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये ऊपर थे, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगना था वो कहां से लग रहा है, सिर्फ नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ से लग रहा है। ऊपर के वाटर मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं पा रहे क्योंकि ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, ऊपर क्या एयर है। और यहां पर बेशक दोनों फ्लूड है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, दोनों फ्लूड है, पर डेंसिटी के अंदर दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस है। इसकी कितनी होती है, 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ठीक है। आपने सुना होगा ना कंप्रेसिबल फ्लूड और इनकंप्रेसिबल फ्लूड, तो जो जिसकी डेंसिटी चेंज हो सके वो कंप्रेसिबल है और जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती वो इनकंप्रेसिबल फ्लूड होते हैं। तो डेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंप्रेशन पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पर दोनों फ्लूड की डेंसिटी के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, इसकी 1000 है और इसकी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। इस वजह से जो एक नेट डाउनवर्ड, एक नेट फोर्स काम करता है वो कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर करता है, और जो फ्लूड की जो सतह होती है वो इस तरह से झुकी हुई रहती है, ठीक है दोस्तों। और इसी को नाम दिया था आपने सरफेस टेंशन का, एक बेसिक साइंस का टॉपिक था जो आपका यहां पर क्लियर हो। और एडहेशन क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब एक दीवार के ऊपर आपने कोई दूसरी चीज लगाई है वो चिपक गई, जैसे आप गोंद लगाते हैं, ठीक है, जो गम होता है वो क्या करता है भाई, जब आप दीवार के ऊपर एक गम लगा रहे हैं या किसी वस्तु के ऊपर लगा रहे हो, दो पेपर को आपको चिपकाना है तो गम के द्वारा चिपका रहे हो, एक पेपर को किस चीज पर चिपकाना है, तो गम के अंदर क्या एडहेसिव प्रॉपर्टी है, बीच में आपने जो पेस्ट अप्लाई कर रखा है दूसरे पार्टिकल से इधर भी चिपक गया और दूसरे पार्टिकल से इधर भी चिपक गया, तो उसने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो ये एडहेसिवनेस होनी चाहिए किसके अंदर, एक कटिंग फ्लूड के अंदर, और कैसी होनी चाहिए, इस तरह से हो कि वह सरफेस को वेट कर सके और साथ में फ्लो भी हो सके, इतनी भी ज्यादा नहीं हो पेस्ट की तरह, गम की तरह कि चिपक ही जाए उसको बाद में छुटाना पड़ रहा है, नहीं, इतनी हो कि उसको वो वेट कर सके, गीला कर सके और साथ में फ्लो भी करता रहे, ठीक है। चलिए तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में, यानी कि श्यानता, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो किसी भी कटिंग फ्लूड की श्यानता कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी के रिस्पेक्ट में मैं पहले भी बात कर चुका हूं आप लोगों से कि सॉलिड के अंदर जो हो रहा है उसको फ्रिक्शन कहा जाता है, और वही चीज जब फ्लूड के अंदर चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, मतलब फ्लूड की जो दो लेयर है, एडजेसेंट लेयर है, वो एक दूसरे को फ्लो होने से क्या करती है, एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज व्हाट, विस्कोसिटी। तो यदि किसी लुब्रिकेशन ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाए, ठीक है। अगर मैं लुब्रिकेशन के लिए यहां पर ग्रीस का यूज करता हूं, या कटिंग फ्लूड में मैं ग्रीस को यूज करता हूं, ग्रीस क्या है, सेमी सॉलिड है, तो हम पढ़ चुके हैं ना फ्लूड की कैटेगरी में आ रहा है ना ही सॉलिड की कैटेगरी में आ रहा है, वो सेमी सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन उसके अंदर आसानी से हो जाते हैं, पर वो फ्लो भी नहीं कर पाता, तो हाई, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी उसकी, हाईली विस्कस फ्लूड है वो एक तरीके से, तो उसको आप यहां पर नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। हम करवाते कि आपने कई बार देखा होगा जब लेथ मशीन पे हम ऑपरेशन करते रहते हैं तो एक पाइप, अगर आप ऑटोमेटिक लेथ मशीन के ऊपर जाएंगे वहां देखेंगे चक लगा हुआ है, चक के आगे आपका जॉब लगा हुआ है, इधर टूल लगा हुआ है, एक पाइप होगा ऊपर से जो लुब्रिकेशन या कटिंग फ्लूड को अप्लाई करता रहेगा, और कटिंग फ्लूड की खास बात यह होती है कि उसके अंदर लुब्रिकेशन भी, जो लुब्रिकेशन ऑयल है उसको भी शामिल कर दिया जाता है, इसलिए कटिंग फ्लूड के साथ साथ आपको जो स्नेहन मिल रहा था, जो लुब्रिकेशन मिलना था वो भी मिल जाता है। तो बात यहां पर यह है कि विस्कोसिटी जो है एक कटिंग फ्लूड की कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वह बह नहीं पाए, एक जगह पर जम के इकट्ठा होके या फिर उसको बहने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तीसरी बात आती है यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ऊष्मीय चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी कटिंग फ्लूड की कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए। कटिंग फ्लूड बनाने का हमारा पर्पस क्या था, पर्पस हमारा यही था कि जो हीट जनरेट हो रही है ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन की वजह से मशीनिंग प्रोसेस के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मा को हटा दिया जाए वहां से। इसीलिए तो हमने कटिंग फ्लूड का यूज किया था, कूलेंट का यूज किया था, यही तो रीजन थे। तो थर्मल कंडक्टिविटी यदि किसी कटिंग फ्लूड की कम हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लिया जाए आप जो है एक जगह मशीनिंग प्रोसेस कर रहे थे, इस तरह से आपका टूल था, मशीनिंग चल रही है आपकी, और यहां पर जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू मैं एच लेता हूं, स्मॉल एच, ठीक है, और आपने एक कटिंग फ्लूड अप्लाई किया जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी थी K1, ठीक है। अब ये ऐसी कंडीशन आई कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है, तो ये फ्लूड क्या काम करेगा, ये फ्लूड अपनी ऊष्मा भी, जो इसके अंदर की जो ऊष्मा है वो भी यहां पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। मतलब एक तो ये बेचारा फ्रिक्शन की वजह से ऑलरेडी इतनी सारी हीट जनरेट हो रही थी यहां पर, और साथ साथ में जो कटिंग फ्लूड है इसने भी अपनी ऊष्मा को त्याग करना, अपनी ऊष्मा को यहां पर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा करने की वजह से हीट आपकी बढ़ जाएगी और बिल्डअप एज भी जनरेट हो सकता है, यहां पर आपके सरफेस को हानियां पहुंच सकती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये काम यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है यानी कि उसमें चालकता है वो एक कटिंग फ्लूड की ज्यादा होनी चाहिए। उसमें चालकता तो आप सब समझते हैं ना क्या होती है, कई बार मैंने डिक्टेट करी है जो कंडक्टिविटी जो है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी कहां से आई है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो ये आई है कंडक्शन से, ठीक है। कंडक्शन वर्ड से कंडक्टिविटी को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। होता क्या है, ये इसके बारे में कई बार सवाल आ जाते हैं क्योंकि बेसिक साइंस की क्लास भी साथ में चलेगी, तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल आ जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हर किताब के अंदर लिखा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, रट लोगे, ठीक है। क्यों ज्यादा होनी चाहिए वो समझना जरूरी है, और क्यों ज्यादा होना चाहिए समझने से पहले क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या, बेसिकली दो प्रकार के पदार्थ ले रहा हूं, एक तो मेटल ले रहा हूं, नॉन मेटल ले रहा हूं, अलॉयज की यहां पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपने अलॉयज अभी सिलेबस में नहीं आए, अलॉयज की भी आप बात कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो मेटल के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। आप सब जानते हैं प्रत्येक धातु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो मुक्त होता है। तो होता क्या है कि मान लिया कोई आपके पास एक स्टील रॉड थी, किसी धातु, स्टील तो अलॉय हो जाता है, एक मेटल रॉड थी, आयरन रॉड थी, ठीक है। आयरन को आपने यहाँ पे मोमबत्ती लगा के गर्म कर रखा है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपने जो है मैच स्टिक्स जो है माचिस की तीलियां चिपका रखी, किससे, पैराफिन वैक्स से चिपका रखी है, मोम से जो है आपने यहाँ पे चिपका रखी है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही आपकी जो रॉड है ये गर्म होनी स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी, मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि व्यक्ति यहां पर पैसे बांट रहा है फ्री के अंदर, ठीक है, और एक आवारा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉन था उसको काफी सारे पैसे मिल गए, वो भागता हुआ जा रहा है आगे, चलो भैया बहुत सारे पैसे मिल गए, बाहर चलेंगे मजे करेंगे, ठीक है। साथ में अगले क्षण इसको अपना एक और दोस्त मिल जाता है, ये बोलता है अच्छा चल ठीक है तू ये पैसे रख ले, मैं वापस जाता हूँ उसके पास से लेके आता हूँ, ठीक है। इस तरह इस बंदे को अपना अगला दोस्त मिल जाता है, और ऐसे अनगिनत इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, इस मेटल रॉड के अंदर। हो क्या रहा है यहाँ पे, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बंदा अपने पैसे इसको दे रहा है, अपने पैसे इसको दे रहा है, इसी तरह हीट जो है, हीट क्या होती है बेसिकली, ऊष्मा क्या है, अगर हीट की डेफिनेशन पढ़ी जाए तो क्या होती है, हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ सेटिस्फाइड है यहां पे, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी का क्या करते जाते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं आगे से आगे, और रिजल्ट में क्या होता है, ये पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाती है आपकी, गर्म हो जाती है, धीरे धीरे माचिस की तीलियां टूट टूट के गिरने लगेंगी। और ये आपने कॉमन सा एग्जांपल देखा होगा, जब आप सब्जी वगैरह बना रहे हो तो कुकर के अंदर कई बार ऐसा होता है चमचा छोड़ दिया, देखो कि दूसरा सिरा गर्म है, तो किसकी वजह से, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से। अब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके अंदर पाई जाती है, सॉलिड के अंदर पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं जब हीट ट्रांसफर पढ़ाते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो बोलते हैं कंडक्शन होता है सॉलिड के लिए, कन्वेक्शन होता है फ्लूड के लिए, और रेडिएशन होता है गैसेस के लिए। ऐसा नहीं है, जब भी किसी सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो तीनों मोड्स का यूज करता है, जो तीनों मोड है ना उनका यूज करेगा, एक सिस्टम से नहीं होगी हीट ट्रांसफर, तीनों मोड का करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं फ्लूड है, कटिंग फ्लूड है, तो फ्लूड के अंदर होता है कन्वेक्शन के द्वारा, पर कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है क्यू एडवेक्शन प्लस क्यू कंडक्शन। अब बात नई टर्म आ गई, एडवेक्शन क्या चीज है,
एडवेक्शन होता है बल्क मोशन ऑफ द फ्लूड पार्टिकल। चलिए इनकी बात हीट ट्रांसफर में करेंगे। तो तीन प्रॉपर्टी तो ये हुई, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इसकी कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। अब ज्यादा महंगे से महंगा आपको अपन को यहां पर यूज नहीं करना। एक होता है जो बहुत महंगा होता है, क्या नाम है उसका, सोल्यूबल ऑयल, ठीक है, कटिंग फ्लूड के अंदर ही आता है सोल्यूबल ऑयल, वो काफी कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है, तो उनका यूज थोड़ा सॉरी सिंथेटिक ऑयल जो है वो काफी कॉस्टली पड़ते हैं, सोल्यूबल ऑयल तो फिर भी ठीक पड़ते हैं, सिंथेटिक ऑयल काफी कॉस्टली पड़ते हैं, तो उनका यूज इसलिए कम किया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चार बात तो ये हो गई, और क्या बात है इसके अंदर, सेफ होना चाहिए, स्टेनलेस होना चाहिए, तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है जो आप पढ़ सकते हैं कि भाई ऐसा ना हो जो मशीन सरफेस के ऊपर धब्बे छोड़ दे, तो स्टेनलेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और कौन सी बात है कि जो वर्कर काम कर रहा है, जो ऑपरेटर काम कर रहा है, उसकी स्किन के लिए सेफ होना चाहिए, ठीक है। फिर जो सरफेस फिनिश है उसको खराब ना करें, ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट है यहाँ पे। तो ये पहली बात करी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कटिंग फ्लूड, एक आइडियल कटिंग फ्लूड है उसकी ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए और होती है, ठीक है, आइडियल है इसलिए। और आइडियल क्या होता है, जो कभी एग्जिस्ट ना कर, ठीक है, आइडियल क्या चीज है, जो कभी एग्जिस्ट ना करे, 100% की बात कभी आप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूड की, किसकी, टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूड, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूड्स, फर्स्ट है प्योर ऑयल, सेकंड होता है आपका सॉल्यूबल ऑयल, थर्ड होता है सिंथ, आप सब आप बोलोगे कि सर आप लुब्रिकेशन थोड़ी बढ़ा रहे हो जो ऑयल ऑयल लिख रहे हो, कटिंग फ्लूड भी एक तरह का ऑयल ही होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑयल को मिलाया जाता है इसलिए, ठीक है। और फोर्थ जो आता है वो आता है आपका गैसियस, गैसियस कटिंग फ्लूड। इन चार के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करनी है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं। बात करता हूं मैं सबसे पहले प्योर ऑयल की, प्योर ऑयल क्या चीज है, प्योर ऑयल को कई किताबों में और जनरल टर्म्स में फिक्स्ड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, किस, जैसे आपने देखा होगा घर में हम पेंट करवाते हैं तो एक होता है बेस, ठीक है, और बेस के ऊपर क्या डाला जाता है, कलर डाला जाता है, तो बेस क्या एक फिक्स्ड है, तो उसी तरह प्योर ऑयल को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ऑयल भी बोलते हैं। और इस फिक्स्ड ऑयल के साथ क्या मिलाया जाता है, जो अभी तक हम लुब्रिकेशन ऑयल के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स मिला दो या मिनरल ऑयल मिला दो या फिर एनिमल्स ऑयल मिला दो। एनिमल ऑयल कौन कौन से होते हैं, मछली का तेल यानी कि फिश ऑयल, सुअर की चर्बी से प्राप्त तेल, स्पर्म तेल, ठीक है, स्पर्म ऑयल, ये सारे किस में आते हैं लिख लीजिए क्योंकि ये आएंगे एग्जाम के अंदर। मछली का तेल, सुअर की चर्बी का तेल या सुअर की चर्बी ही उसको पिघलाकर बना दिया जाता है, ठीक है। मिनरल ऑयल में कौन कौन से आ रहे हैं, बेसिकली पेट्रोलियम, किससे प्राप्त होती है, खनिजों के द्वारा, इसलिए तो मिनरल ऑयल नाम है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या, पैराफिन, और इसके अंदर हमने बात करी थी जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पे यूज करते हो ये अपने घटकों में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, अपने अलग अलग घटकों में विच्छेदित हो जाता है। और वेजिटेबल ऑयल कौन कौन से आ रहे हैं आपके, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, या जितने भी सोया ऑयल है, ये सब पीनट्स ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनको मिलाकर भी, इनको मिलाकर अलग से, अगर मैंने ऐसा काम किया कि वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल को मिला दिया और मिलाने के बाद एक नए ऑयल को बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, लुब्रिकेशन में पढ़ाया हुआ है, कंपाउंड ऑयल कहा जाएगा, ठीक है। और एक और नाम से भी जाना जा सकता है इनको, जिनका नाम है ब्लेंड ऑयल या ब्लेंडेड ऑयल, ब्लेंड ऑयल ही बोलते हैं बेसिकली, ब्लेंडेड नहीं बोलते हैं, ब्लेंड ऑयल ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, जो हम लुब्रिकेशन के अंदर पढ़ चुके, इतना तो आप सब जानते ही हैं कि कटिंग फ्लूड के अंदर ये ऑयल मिलाने का एक ही मोटिव है, वो जो एक प्रॉपर्टी थी मैंने बताई नहीं थी वहां पे, इसलिए नहीं बताई, क्योंकि अब जब मैं ऑयल 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 करूंगा तो आप बोलोगे सर आप लुब्रिकेशन ऑयल पढ़ा रहे हो या कटिंग फ्लूड पढ़ा रहे हो, तो इसलिए नहीं बताई थी मैंने। इनका एक ही मोटिव होता है
कि हीट जो थी वो तो रिमूव हो ही जाए, साथ साथ में लुब्रिकेशन भी हो जाए, वरना इनको क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन ऑयल को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऑयल पंप के द्वारा करें, ड्रिप फीड लुब्रिकेशन के द्वारा करें, कैसे भी करें, अलग अलग तरीके थे, ठीक है। और अगर कटिंग फ्लूड के साथ ही ऑयल को मिक्स कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको अलग से ऑयल को फ्लो करवाने के लिए अलग से अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो प्योर ऑयल की मैं बात कर रहा था यहां पे। चलिए तो पहली मैं बात करता हूं, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं लाइट ड्यूटी पर्पसेस के लिए, और साथ में टेम्परेचर भी कैसा है, लो टेम्परेचर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं किसका यूज करूंगा, मिनरल ऑयल्स का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, मिनरल ऑयल का यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि मिनरल ऑयल जब ज्यादा टेम्परेचर पे चले जाए, ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात करो, ज्यादा लो भी मत करो इसको, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। मिनरल ऑयल अगर ज्यादा टेम्परेचर पे चले जाए तो ये क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे, और अगर ज्यादा लो टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ये गोंद के रूप में बन जाएंगे, गमी सॉल्यूशन बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो यदि पेस्ट बन जाता है ज्यादा लो टेम्परेचर पे जाकर आपने वहां पर यूज करो, पेस्ट बन रहा है, तो वो आपकी मशीन सरफेस से रिमूव नहीं होने वाले, उनको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि ये डिकम्पोज हो गए तो जो इनका मेन फंक्शन था, अलग अलग अगर विचलित हो गए, इतना तो आप सबको पता था ना, मिनरल ऑयल में सब में अपन ने पढ़ा भी था OH समूह अल्कोहल होता ही होता है, ठीक है। तो अगर ये डिकम्पोज हो गए सारे के सारे, तो जो इनका मेन फंक्शन है वो ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर के लिए मिनरल ऑयल का यूज किया जा रहा है। अगर आपको हाई अच्छा स्लैश में वेजिटेबल ऑयल भी कर देना, स्लैश वेज ऑयल, अगर आपको हैवी ड्यूटी पर्पजेस के लिए चाहिए, हैवी ड्यूटी पर्पज के लिए चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, मिनरल ऑयल का ही यूज करेंगे, पर साथ में कुछ केमिकल एजेंट आप लोगों को इसमें डिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये केमिकल एजेंट क्या काम करते हैं, इसकी स्थिरता को बनाए रखते हैं। ये हमने बात करी, जो फिक्स्ड ऑयल जो होता है ना वो आपका स्टेबल कम होता है, ठीक है। मिनरल ऑयल के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, साथ में केमिकल एजेंट भी मिला दिए जो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगे, साथ में जब हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो इसको डीकम्पोज नहीं होने देंगे। अगर मिनरल ऑयल जो थे वो आपके डीकम्पोज हो भी गए तो वो जो केमिकल ऑयल केमिकल एजेंट्स मिलाए थे, अब ये आपका एज अ लुब्रिकेशन या फिर एज अ हीट रिमूवल वहां पे काम करने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहां पे कुछ केमिकल एजेंट जो है साथ में मिलाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा और ये जो केमिकल एजेंट है इसको कहा क्या जाता है, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स, जैसे कि सल्फर या क्लोरीन, ठीक है, इनको मिला दिया जाएगा। चलिए तो ये था आपका पहला प्योर ऑयल के बारे में, किसके बारे में था, प्योर ऑयल के बारे में। अब जो मैं दूसरा बताता हूं आपको छोटा सा, वो तो सॉल्यूबल ऑयल, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज्यादा यूज जो होते हैं सॉल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं। आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे, जैसे मैं जब HMT में गया था, मैंने देखा था वहां पर कटिंग फ्लूड में व्हाइट मिल्की टाइप जो है मिक्सचर आ रहा था सॉल्यूबल ऑयल, मिल्की टाइप मिक्सचर आ रहा था। ये दूधिया कलर के होते हैं, चाहो तो इसकी प्रॉपर्टी में आप लिख लीजिए कि इनका कलर कैसा, दूधिया। ये खुद में ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि अपने आप में ही आए अलग से सॉल्युबल ऑयल मिल रहे, नहीं, इनको बनाया जा रहा है। कैसे, दो या दो से अधिक तेलों को और साथ में वाटर को भी मिलाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मिलाए जाते हैं, इसके अंदर मिनरल ऑयल के अंदर गीला करने वाले कुछ तत्व मिलाएंगे, जंग रोधी तत्व मिलाओगे, ठीक है। और क्या मिलाओगे, इसके अलावा जो झाग ना बनने दे, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स जो है उनको मिलाया जाएगा। तो सॉल्युबल ऑयल के अंदर लिखे मिनरल ऑयल प्लस साथ में कुछ वेटिंग एजेंट्स, मतलब गीला करने वाले, साथ में और क्या मिलाओगे, एंटी फॉर्मिंग और कोरोसिव रेजिस्टेंस, ऐसे तत्व मिलाने हैं जिनके अंदर कोरोसिव रेजिस्टेंस, जंग निरोधक हो, जंग निरोधकता हो जिसके अंदर, जंग रोधकता हो जिसके अंदर, ठीक है, उनको मिलाकर बनाया जाता है सॉल्युबल ऑयल। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मिक्सचर के ऊपर, पूरे के पूरे पोर्शनल या पोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है,
जैसे आपको पता हो कि सॉल्यूबल ऑयल को 1:80 20 से स्टार्ट करेंगे, 1:20 मतलब एक जगह वाटर है एक जगह ऑयल, ठीक है, तो एक ऑयल का और 20% वाटर, 20 भाग वाटर और उसमें एक भाग ऑयल का मिलाया जाएगा, कई बार 1:80 एंड कई बार 1:100 तक का इसका रेशियो होता है। तो एक रेशियो किसका चल रहा है, ऑयल का चल रहा है, और जो दूसरा रेशियो चल रहा है वो किसका चल रहा है, वाटर का चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर इनको बनाया जाता है। जैसे अगर मैं 1:10 बना रहा हूं तो 1:10 का मैं उपयोग करूंगा मिलिंग ऑपरेशन के अंदर। अगर मैं 1:25 बना रहा हूं तो उसका उपयोग करूंगा कहां पे, लेथ मशीन के अंदर, ठीक है। और एक और जो आपका लास्ट है 1:50 बना रहा हूं तो वो है ग्राइंडिंग के लिए। इसलिए इस प्रकार हर एक पोर्शन का जो अलग अलग सॉल्युबल ऑयल है वो अलग से बटा हुआ होता है। तो ये 1:50 किसके लिए, ग्राइंडिंग के लिए। और ये जो तीनों मैंने वैल्यूज दिए हैं ये बुक टू बुक वेरी करेंगे, वेरी करती हैं, ठीक है। तो इनमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको रटने रटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा जो बात हुई सॉल्युबल ऑयल की, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मिनरल ऑयल के साथ कुछ केमिकल एजेंट जैसे कि वेटिंग गीला करने वाले यानी कि वेटिंग एजेंट्स, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स और कोरोसिव रेजिस्टेंट एजेंट को मिला दिया जाएगा, ठीक है। और इसीलिए कैसे होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओपेक होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ओपेक के लिए जो प्रोपोर्शन होगा वो 1:80 तक होगा, सॉरी ट्रांसपेरेंट के लिए 1:80 होगा, और उसके अलावा 1:100 जो होगा वो ओपेक के लिए होगा, जो अपारदर्शी जिसमें आपको दिखाई नहीं देगा आर पर, जिसमें जिसके अंदर आप ये नहीं देख सकते कौन सी मशीनिंग प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक के अंदर क्या होगा, सिंथेटिक, एक सेकंड रुकना, सिंथेटिक ऑयल्स के अंदर पेट्रोलियम के साथ साथ कुछ अन्य केमिकल एजेंट बनाए, अन्य केमिकल एजेंट जो होते हैं उनको मिला दिया जाता है, ठीक है। और वो एजेंट कैसे होने चाहिए, ठीक है, पेट्रोल के साथ बना रहे हैं, पहली बात तो ये मैंने बोला था ना, सिंथेटिक ऑयल जो होते हैं आपको कॉस्टली पड़ते हैं, तो कॉस्टली होने का रीजन समझ में आया आपको, पेट्रोलियम प्लस केमिकल एजेंट। और वो केमिकल एजेंट कैसे होने चाहिए, उनके दो प्रॉपर्टी हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उनके अंदर अच्छे कूलेंट वाले गुण हो जो अच्छे शीतलक की तरह काम करें, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों कि ये लुब्रिकेंट भी होने चाहिए। और इनसे मिलाकर एक नए ऑयल का, एक नए कटिंग फ्लूड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी क्रियाशील होते हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो काफी क्रियाशील होंगे ये, और बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। परंतु एक बात जो इनके अंदर सबसे अच्छी है कि इनका जीवन काल है ना, लाइफ स्पेन जो इनका ज्यादा होता है, ठीक है। ये सिंथेटिक ऑयल है। और फोर्थ जो आता है आपका गैसियस सिंथेटिक ऑयल या सिंथेटिक कटिंग फ्लूड लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, ये तो मैं समझा चुका हूं क्यों। और फोर्थ जो आता है गैसियस, उनके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके साथ और कौन, फ्रियोन है, हीलियम है, इन गैसेस को मिलाकर, इनका मिश्रण कर फॉग या मिस्ट जो होता है, कोहरा, CO2, फ्रियोन, हीलियम, इनको मिलाकर इसका एक धुआं, कोहरा टाइप जो है जनरेट किया जाता है। और जब मशीनिंग प्रोसेस हो रही होती है तो उस मशीनिंग प्रोसेस के अंदर इस मिस्ट को अप्लाई कर दिया जाता है। और ये क्या काम करेंगे, ये मशीनिंग सरफेस साथ, भाई इसके अंदर वाटर है नहीं कहीं पर भी, ठीक है, और जंग निरोधी भी होते हैं, जंग को भी रोक लेंगे, जंग को भी नहीं लगने देंगे। तो ये काम क्या काम करेंगे, मशीन सरफेस पे लगेंगे आपके जाके और वहां से हीट को रिमूव करके ले जाएंगे, और साथ में कुछ ऐसे एडिटिव्स भी मिलाए जाएंगे जिसके अंदर लुब्रिकेंट वाली प्रॉपर्टीज हो ही हो, तो ऐसे एडिटिव भी मिलाने, तो लुब्रिकेशन भी कर जाते हैं और साथ साथ में क्या कर जाते हैं, कूलिंग भी कर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप
गैसियस कटिंग फ्लूड का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है ये सातवां पार्ट था, लास्ट पार्ट था, इसमें हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। अब कल इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।